सही होंगे, हम खुद अगर सही सलामत रहेंगे तो हम अपने लिए भी सोचेंगे जानेंगे औरों के लिए भी सोच पाएंगे, लेकिन वहाँ अपने लिए नहीं है, वहाँ सब उनके लिए है। तो यहाँ हमने परमात्मा से विनती की है, परमात्मा आपका नाम अमृत है और आपके ये अमृत पुत्र है, पानी भी अमृत है और आप हर जगह वो तो पुरुष है, आप ओढ़ना है, बिछोना है, ऊपर है, नीचे है, आप हर जगह, कोई ऐसा जगह खाली नहीं जहाँ पर आप न, आपसे कोई जगह खाली। तो आपसे विनती की गई कि मानव शरीर में तीन प्रकार के ये विकार होते हैं जिसको कफ बात के नाम से जाना जाता है, परमात्मा ऐसे विकारों में मैं ग्रसित ना हो जाऊं, केवल आपसे विनती है, क्योंकि गायत्री मंत्र में उसको बोला गया तत् सवितुर्वरेण्यम, परमात्मा को वरण किया है, तो परमात्मा को वरण करने के कारण उससे हम विनती कर रहे हैं कि ऐसी बीमारी में मैं फंस ना जाऊं और आपके सिवा कोई रक्षा करने वाला नहीं, इसलिए तेरे दर को छोड़कर भी मैं जाऊँ। पानी पीने के बाद फिर बाएं हाथ में पानी दिया, तो उंगली का सहयोग किया, होंठ में लगाया, नाक में लगाया, बाजू में लगाया, जांघों में लगाया, पूरे शरीर में छींटा, तो पूरे शरीर के लिए परमात्मा की विनती है कि हमारे बोली में वो ओस दे, वो शक्ति दे, वो ताकत दे कि मैं सत्य के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए काम, मेरा जीवन सत्य के लिए हो। लेकिन तरीका तो दोनों, आज लोगों ने कुछ उल्टा बना रखा है, गांधी जी के बंदर की खाते नहीं, किसी से चिवो एक मुंह में हाथ रखा है कि सच बोलो मत, दूसरा देखो सच और देखो नहीं, काम में भी यानी देखो नहीं, सुनो नहीं, बोलो नहीं, मना कर दिया। लेकिन हमारी वो नहीं है कि आपको सत पर चलना है और असत का विरोध करना है, सत पर चलना है और असत का विरोध करना है, तो उसके लिए सुमान चाहिए ना, तो बोले केवल जुबान से बात नहीं बनेगी, इस प्राण शक्ति के अंदर में भी बोझ होना चाहिए। अगर प्राण शरीर में है तभी ना आप काम करेंगे, तो हमारे प्राणों के अंदर में भी वो शक्ति है, आँख के अंदर में भी वो ज्योति दे, आँख के अंदर में भी हमें वो देखने की क्षमता प्रदान कर कि सही क्या हो रहा है और गलत क्या हो रहा है, सही कहाँ हो रहा है, गलत कहाँ हो रहा है, तो इन दोनों चीजों को मैं समझने का प्रयास करूँ और आपके सहयोग के बिना, क्योंकि आपको वरण किया है और आपके सहयोग के बिना ये काम नहीं हो सकता। साथ ही साथ कान में भी लगाएंगे, क्या परमात्मा हमारे कान में सुनने के लिए भी वो चीज दे, वो शक्ति दे जिससे कि मैं सही सुनूं और उसी आधार पर काम करूं। बाजू में लगाएंगे, सब असत को रोकने के लिए, अधर्म को रोकने के लिए ताकत है, बाजू में दम हो तब हम असत को रोक पाएंगे, अगर बाजू में ताकत नहीं है तो असत को रोकना संभव नहीं है, और यही हो रहा है आज सब जगह, आप देखेंगे कोई
चर्चा हम लोग कर रहे थे कि शुक्रवार को लोग सड़क जाम करके नमाज पढ़ते हैं, अब शुक्रवार को लोग सड़क जाम करके नमाज पढ़ते हैं, हम वहाँ जाएंगे विरोध करेंगे तो पुलिस हमें ही पकड़ करके ले जाएंगे। तो हम लोगों ने अभी प्लान बनाया कि वाकई में इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम अगर मंगलवार को इस तरीके से करेंगे, हम अगर मंगलवार को इस तरीके से करेंगे तो पुलिस रोकेगी हमें, भैया हमें तो रोक रहे हो, हम तो रुक जाएंगे लेकिन जुमा वाले को तो रोको, तो एक बात आ जाएगी सब, तो ये सब इस तरीके। तो उसके लिए चाहिए बाजू में ताकत, बोले बाजू में ताकत नहीं केवल जांघों में भी शक्ति होनी चाहिए, जांघों में भी शक्ति होनी चाहिए। भाग दौड़ करके अगर इस काम को किया जा सकता है तब फिर पूरे शरीर में छीटा गया है परमात्मा, हमारे शरीर के अंदर संपूर्ण शरीर के अंदर में सामाजिक यानी कार्य करने के लिए पहले शारीरिक उन्नति है, फिर आत्मिक उन्नति है, फिर सामाजिक उन्नति। तो ये केवल परमात्मा से विनती की गई। अब यहाँ जो है तात्पर्य उंगली पांच है, दो को लिया, इसको नहीं इसको नहीं, तो इसका तात्पर्य समझ लीजिएगा कि ये है, इसका नाम है अंगुष्ठ, इसका नाम अंगुष्ठ, इसका नाम है तर्जनी, इसका नाम मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठ। लेकिन इस्लाम में उल्टा है, बिनसर बिनसर वस्ता इबहाम सबा, आपको भी नहीं मालूम है अरबी में क्या बोला गया, मुझे जानकारी है इसलिए मैं आपको सुना दिया। अब आप देखिए इसका नाम है अंगूठा, जिसको सिग्नेचर करना नहीं आता लोग क्या कहते हैं अंगूठा लगाओ। लेकिन कई बार ऐसा होता है सरकारी कागज पत्र में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री वकील साहब है, ये कई बार सिग्नेचर करने के बावजूद भी बोलते हैं कि अंगूठा लगाओ, सिग्नेचर भी चाहिए और इनको अंगूठा भी चाहिए, है ना। तो अंगूठा क्या है, ये गवाही देती है, ये गवाही देती है, और ये गवाही ऐसी गवाही देती है कि ब्रह्मांड में इतने मानव हैं, एक का मोटा दूसरे का मोटा के साथ मेल नहीं खाएगा। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो परमात्मा हमारा विश्वकर्मा है, विश्व के रचयिता है, वो कितने बड़े शक्तिशाली हैं, कितने बड़े कलाकार हैं कि विश्व में इतना मानव है लेकिन एक का मोटा दूसरे का मोटा के साथ मेल नहीं खाएगा। लेकिन ये कुरान को नहीं मालूम और बाइबल को भी नहीं मालूम है, ये मजहबी जो किताबें हैं उन मजहबी किताबों में नहीं है। कैसा है मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, और आपको प्रमाण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप के पहले नाम से मुझे जो परिचय मिला है इसलिए मैं दे रहा हूँ। अब देखिए वहाँ जब आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ते समय आप तक पढ़ते रहे होंगे वो अब्तियातुल्लाहत, इसको बोला जाता है शहादत, जब इसको शहादत ही है, शहादत ही है, शहादत के माने होता है गवाही, गवाही देना। अब संपूर्ण विश्व के आंगन में गवाही की उंगली लोग किसको मानते हैं, इसको, लेकिन इस्लाम इसको मानता है। बताइए इस उंगली से को गवाही देना या दिया जाना संभव है, दुनिया मान रही इसको कि भाई अंगूठा लगाओ ये साक्षी है, तुम नहीं रहोगे तभी तुम्हारा अंगूठा छाप रहेगा। अच्छा अगर कई बार कोई मुकर जाए, छाप हमारा ही है लेकिन मैं मुकर गया तो फिर क्या कहते हैं, जो इसके निशान के पहचानने वाले लोग हैं उन्हें बुला करके बताया जाता है भाई इस निशान किसका है, ये सब सरकारी कागज पत्रों में होता है, माननीय वकील साहब बैठे पूछ लीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो परमात्मा हमारा इतना बड़ा विश्वकर्मा है, विश्व के रचयिता है, कि इतने ब्रह्मांड में मानव है लेकिन दूसरे की अंगूठा के साथ ये मेल नहीं खाएगा। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कायनात का बनाने वाला अल्लाह है या कायनात का बनाने वाला परमात्मा। अगर कायनात का बनाने वाला अल्लाह हुआ होता तो अल्लाह गैर मुस्लिमों को नहीं देते, तो सारा गैर मुस्लिमों के खिलाफ सारा काम है। मैं लाया हूँ एक पुस्तक, मेरी पुस्तक है धर्म और मजहब में भेद क्या है, कुछ पत्ती लाया हूँ। तो मैंने निवेदन किया कि ये अंगुष्ठ ही सिर्फ नहीं है, ये गुरु है, ये गुरु है, और गुरुओं का गुरु तो परमात्मा है लेकिन घर परिवार में गुरु पिता है। पिता कह रहे हैं कि गुरु तो मैं हूँ लेकिन ये जिम्मेदारी मैंने दिया माँ को, इसको माँ को, ये तर्जनी माँ है, ताड़ना करने वाली, दिखाने वाली, बतलाने वाली, सिखाने वाली, इस प्रकार के जितने भी शब्द लिया जा सकता है। माँ ही कहेगी बेटा उधर जा, यहाँ मत जा, यहाँ बैठ, वहां न जा, ये किस उंगली से करते हैं, इसलिए ये माता निर्माता भवती कहा गया, माँ निर्माण करती है, तो माँ ही सिखाती है। ये परिपाटी हमारे पास, हमारी सेवा यानी इस यज्ञ की सेवा दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है, और ये अग्निहोत्र से पहले हम ये सारा काम करते हैं। क्या किया जा रहा है मैं थोड़ा केवल संकेत कर रहा हूँ, यद्यपि प्रकरण बड़ा लंबा है और समय से हम आते होते तो हम अच्छी तरीके से आपको समझाते और बताते, लेकिन समय कम है, जल्दी जल्दी में हमें समेटना है।
जाएगी, विवेकानंद बनाना हो काम आता है वहां जाएगी, भगत सिंह बनाना वो काम आता है वहां जाएगी, श्याम जी किशन वर्मा बनाना वो काम आता है वहां जाएगी, सुभाष चंद्र बोस बनाना वो काम आता है वहां जाएगी, फुलन देवी बनाना वो भी काम आता है। इसीलिए हमारे यहाँ बताया गया है कि माता निर्माता भवती, माँ निर्माता, तो यहाँ इसको बताया गया। अब ये जो है ये बड़ी है, सबसे बड़ी है, ये चिल्ला रही मैं बड़ी हूँ मैं बड़ी हूँ मैं बड़ी हूँ। इस बेचारी ने बोली तू बड़ी है तो अपने आप बोल रही है, तो बोले मैं बड़ी हूँ बोलू क्यों ना, बोले देख तू बड़ी है ठीक है, लेकिन जो कोई बड़ा होता है दुनिया में वो अपने आप बड़ा नहीं कहता। अब आज हम लोग इस कार्यक्रम में किनके साथ किनके नेतृत्व में हम ये काम कर रहे हैं, शायद बहुत हमारे संगठन के लोगों को छोड़ करके नहीं जानते हैं कि भाई सदरपाल जी गुप्ता कौन है, या हमारे संगठन के लोगों को छोड़ करके नहीं जानते कि रवि गुप्ता कौन है, समझ रहे ना भाई, बंद हो इसको बंद कर दीजिए। तो ये चिल्ला रही है ना इधर, तो उसको बंद करके इधर देखिए, मेरे मैं तो परिश्रम आपके लिए कर रहा हूँ, हमें तो मालूम था पहले हमें क्या बोलना है। तो ये चिल्ला रही है बड़ी 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 बड़ी, इसने बोली तू बड़ी है तो अपने आप बोल रही है, इसका मतलब तू घमंडी है, घमंड कर रही है। और ये खूबी अगर आपको देखना हो तो मैं दावा के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे चार ही समाज का हो चाहे हम कोई हिंदू संगठन को, हमारे जितने भी कार्यकर्ता अधिकारी हैं किसी के पास आप ये चीज नहीं देखें। ये एक खूबी है कि हमको बचपन से ही वही चीज बताई जाती है, वही चीज दिया जाता है, वही चीज बताया जाता है कि देखो। तो कहने का तात्पर्य यह है, जिसने बोली तू घमंड करे तो जो घमंड करते हैं उनका नाश हो जाता है। बोले कैसे, कि जिन्होंने गर्व किया है मिट गए उनके वंश, उन तीनों कुल तुम याद करो, रावण कौरव कंस। बोले रावण कौरव और कंस ये तीनों कुल घमंड के बारे चूर थे, घमंड ने उनका नाश किया। तो इंसान को घमंड भी कभी भी नहीं बनना चाहिए, क्यों, घमंड पतन का कारण होता है। तो ये हमारे यहाँ से कूट कूट करके भरा जाता है, जो ट्रेनिंग हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर लगता है ना, तो वही ये सब बातें कूट कूट करके उनके दिल और दिमाग में भरी जाती है। तो इसने बोली देख तू बड़ी है लेकिन लोग सोने का छल्ला मुझे पहनाते हैं। अंगूठी किसको पहना दिए, इस उंगली का नाम अंग्रेजी वालों ने क्या बोला, रिंग फिंगर, अंग्रेजी में क्या बोला, रिंग फिंगर ही इसका नाम बोला है ना। तो ये बोले सोने की छल्ला लोग मुझे पहनाते हैं, आभूषण सोने का आभूषण तू बड़ी है लेकिन तुझे नहीं देते, मुझे क्यों देते, मैं बिना नाम वाली, इसका नाम अनामिका है, अनामिका माने बिना नाम वाली, बल्कि तू नाम के लिए काम करती है, मैं बिना नाम की काम करती हूँ। तो जो निष्काम भाव से काम करेगा लोग वही ना देंगे। अब देखिए आपके कारण यहाँ आप एक कारण बने, और ये कितने बड़े बड़े लोगों को आपने बुला लिया है अपने इस कार्य में, कि इन लोगों की परिचय दे करके मैं दिन भर समाप्त नहीं कर पाऊँ, कि आप परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि ऐसे लोगों के बीच में आप पहुंच गए, ऐसे लोगों के सानिध्य को आप प्राप्त कर रहे हैं। तो ये वही बता रही है कि मैं नाम नहीं चाहता, मुझे नाम नहीं चाहिए, बिल्कुल हमको काम से मतलब। बोला जब तिलक लगा जाता तभी इसी उंगली से तिलक लगाते हैं, इससे नहीं। अच्छा अभी अंदाजा लगाइए, चारों उंगली जब आपस में बातें कर रही थी, उंगलियों से बात करना करवाना संभव नहीं, मैं केवल समझाने के लिए बोलता हूँ। तो ये बेचारी बोली मैं छोटी हूँ इसीलिए मुझे अलग कर दिया क्या, चारों ने मिलकर के जो जवाब दिया ना वो हृदय ग्रही, चारों ने मिलकर के जवाब दिया कि भैया तुम छोटी हो तो हमारे शरीर का हमारे दरवान हमारे गेट की पर हो। बोले कैसा, बोले जब लोग भूसा मारते मुक्का मारते बोले सारा बोलते तुम पर, तो तुम छोटी हो तब ना हम बड़े हैं, कोई जब कोई छोटा होगा तब कोई बड़ा होगा, जब बड़ा है तो छोटा जरूर है। तो ये आपस में किस तरीके से मेल रखते हैं, हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति में यही सिखाया कि हमको घर परिवार से लेकर के राष्ट्र तक ऐसे ही मेल रखना चाहिए, सभी प्रकार की वैवस्था से हमें ऊपर होना चाहिए। ये भेदभाव, अगर ये भेदभाव देखिए कई लोग फेसबुक पे लिखते हैं, आज मैं सुबह ही लिखा एक को, वो लिख रहे हैं कि साहब इस्लाम अगर धर्म इतना गलत है तो उसकी बढ़ोतरी क्यों।